हेलो एवरीवन, आई एम आयुषी शर्मा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बंडल ऑफ लर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल माय व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज़ डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले हम देखेंगे वीकली सिलेबस और वीकली सिनॉप्सिस फॉर वीक फिफ्थ। फिफ्थ वीक का हम देखेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस। ईवीएस में हम करवाएंगे इस वीक गुड हैबिट्स, यूज़ ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, बॉडी पार्ट्स। इंग्लिश में हमें करवाना है वोवल ई साउंड वर्ड्स, यूज़ ऑफ ए एन ए आई ओ यू साउंड वर्ड्स का रिवीजन। मैथ्स में हम देखेंगे काउंटिंग 1 to 90, मोर और लेस कॉन्सेप्ट, बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन नंबर्स, बैकवर्ड काउंटिंग। हिंदी में हम देखेंगे ई की मात्रा के शब्द, मिलते जुलते शब्द। ये था हमारा वीकली सिनॉप्सिस फॉर वीक फिफ्थ। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के वर्कशीट्स। आज के वीडियो में हम डे 1 से डे 7 की कंप्लीट वर्कशीट देखेंगे फॉर वीक फिफ्थ। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डे फर्स्ट की वर्कशीट। फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस। नाउ हियर लुक एट द पिक्चर्स, ड्रॉ अ लाइन टू मैच ईच एक्शन टू द करेक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हुई है और वो उसमें कुछ एक्शंस शो किए हुए हैं, लाइक होल्ड है, हॉप, पोर। तो ये हमें मैच करना है कि ये जो एक्शन है वो बॉडी के कौन से पार्ट से होते हैं, हैंड से या लेग से, कौन सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे हम बात करें होल्ड की, होल्ड मतलब होता है पकड़ना, तो हम पकड़ते हैं हैंड्स के थ्रू, तो उसको मैच करना है हैंड से। हॉप, हॉप होता है पैर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेग को के साथ मैच करना है। नेक्स्ट है पोर, पोर मैच होगा हमारा हैंड के साथ। नेक्स्ट है हमारे इसी तरीके से स्केट, स्केटिंग होती है लेग के थ्रू, तो यहाँ पे लेग से मैच करना है। क्लैप, क्लैप होता है हैंड्स के थ्रू, तो हैंड से मैच करना है। लास्ट इज जंप, जंप होता है हमारे लेग्स के थ्रू, तो यहाँ पे इसको लेग से मैच करना है। नेक्स्ट इज राइट मिसिंग लेटर्स। यहाँ पे मैंने बॉडी पार्ट्स की स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करवाई है। मिसिंग लेटर्स की फॉर्म के अंदर बॉडी पार्ट्स लिखे हुए हैं। हमारा इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर क्या करना है, राइट मिसिंग लेटर्स। अगेन यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं, उन पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना है और उनसे रिलेटेड जो वर्ड है यहाँ पे लिखने हैं, सॉरी लेटर यहाँ पे लिखना है। लाइक यहाँ पे एन और टी लिखा हुआ है, ये पिक्चर है नेट की, तो यहाँ पे क्या जाएगा, न एट, नेट। नेक्स्ट है ट्रेस द करेक्ट लेटर्स। यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है दिस इज अ, और डॉटर फॉर्म में लिखा हुआ है वेल एंड बेल, तो यहाँ पे क्या करना है, अगेन इस पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज करने के बाद जो करेक्ट वर्ड होगा इससे रिलेटेड उसको ट्रेस करना है, तो यहाँ पे बेल है ये, तो बेल को ट्रेस कर दिया है। नेक्स्ट है दिस इज अ नेस्ट एंड वेस्ट, तो यही है नेस्ट का। दिस इज अ लेट, वेट, ये है वेट, पानी बिखरा हुआ है। दिस इज अ नेक, डेक, तो यहाँ पे नेक को ट्रेस करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में हमारा टिक द मोर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द लेस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या करना है, मोर ऑब्जेक्ट को टिक करना है और क्रॉस करना है लेस ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे फर्स्ट हम पिक्चर की बात करें, इन दोनों में ये जो लीव्स हैं वो हैं कम है और ये वाली लीव्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे ये मोर है तो मोर को टिक कर दिया, ये लेस है तो इसको क्रॉस कर दिया है। इस मैंने करवाया था राइट काउंटिंग 81 to 90। यहाँ पे 81 से 90 तक मैंने काउंटिंग की प्रैक्टिस करवाई थी पूरे से 2 times। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी में करवाएंगे ई की मात्रा का अभ्यास करें। यहाँ पे हमें ई की मात्रा पढ़नी है इस वीक, तो यहाँ पे क प्लस ई की मात्रा क्या बनेगा, की। ट प्लस ई की मात्रा बनेगा टी। तो इसी तरीके से मैंने कुछ सिंगल वर्ण की प्रैक्टिस करवाई थी, जैसे च प्लस ई इक्वल्स टू ची लिखना था पुरु को, त प्लस ई, प प्लस ई, ज प्लस ई, तो ये इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी थी। नेक्स्ट है ई की मात्रा का लिखकर अभ्यास करें। अगेन मैंने यहाँ पे ई की मात्रा के कुछ वर्ड्स से जिनको ट्रेसिंग करने के लिए दिए थे। एक्स्ट्रा वर्कशीट्स में मैंने दिए थे ड्रॉ एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर इमेजिनेशन। यहाँ पे इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी ड्रॉ करना था, तो पुरु ने ये स्नेक्स ड्रॉ करने की ट्राई की है। नेक्स्ट है हमारा कलर ईच सेट अकॉर्डिंग टू द साइज। यहाँ पे साइज़ के अकॉर्डिंग फ्लावर को कलर करना था, लाइक यहाँ पे मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर आइडेंटिफाई किए हुए हैं, लाइक रेड कलर फॉर स्मॉल, येलो फिर ब्लू। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा जो फ्लावर है उसमें रेड कलर फिल करना है, उससे बड़े में येलो एंड सबसे बड़े में ब्लू, तो इसके अकॉर्डिंग कलर फिल करना था। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड डे की वर्कशीट। फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस। यहाँ पे हमने करवाया प्रैक्टिस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे चिन और टीथ की प्रैक्टिस करवाई गई है, आप देख सकते हैं।
स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस हम किस तरीके से करवा सकते हैं इनसे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इन केस अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग डू वी हैव, यहाँ पे बताना है लाइक हमारे हैंड्स हैं तो हमारी बॉडी में हैंड्स कितने टू हैं, ईयर्स हैं तो ईयर्स कितने टू हैं, आइज कितने टू हैं, तो यहाँ पे हर एक बॉडी पार्ट्स के लिए उसकी नंबरिंग बतानी। नेक्स्ट है इंग्लिश, इंग्लिश में कराया था प्रैक्टिस ई साउंड वर्ड्स, यहाँ पे कुछ ई साउंड वर्ड्स लिखे हुए थे उनकी प्रैक्टिस करने के लिए दिया था मैंने। नेक्स्ट है जॉइन द साउंड्स एंड राइट द वर्ड्स, यहाँ पे अगेन कुछ पिक्चर्स दी हुई है उनको रिकॉग्नाइज करना है और उनसे रिलेटेड वर्ड यहाँ लिखना है। लाइक जो फर्स्ट है वो टेन लिखा हुआ तो टी ई एन टेन लिखना था, ये डेन है तो डेन लिख दिया, लेग लिख दिया, बेल लिख दिया, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करवानी थी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स, मैथ्स में करवाना है राइट काउंटिंग 51 to 90, यहाँ पे 51 to 90 मैंने राइटिंग काउंटिंग की प्रैक्टिस करवाई है। नेक्स्ट है राइट बैकवर्ड काउंटिंग, यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग लिखने के लिए दी थी मैंने 32 to 1 मिसिंग नंबर्स के फॉर्म में। हिंदी में हम देखेंगे ई की मात्रा से बनने वाले शब्द का अभ्यास करें, यहाँ पे अगेन ध प्लस न प्लस ई की मात्रा प्लस या, तो इन सब को ज्वाइन करके वर्ड बनाना था, वर्ड बनेगा धनिया। इसी तरीके से प प्लस र प्लस ई प्लस व वा प्लस र, तो इन सब को ज्वाइन करके बनाना था परिवार, तो इस टाइप से मैंने ई की मात्रा के शब्दों की प्रैक्टिस करवाई थी। नेक्स्ट है चित्र को शब्द से मिलान करें, यहाँ पे कुछ शब्द चित्र बनाए हुए हैं और कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो चित्र को पहचानना है और उनसे रिलेटेड वर्ड से मैच करना है। लाइक फर्स्ट जो पिक्चर है वो किसकी है, दिल की, तो यहाँ पे दिल लिखा हुआ है, इससे इसको मैच करना है। नेक्स्ट है बुक यानी किताब, किताब को इससे मैच करना है। नेक्स्ट है गिलास, गिलास से मैच करना है। चिड़िया, चिड़िया से मैच करना है, तो इस टाइप से प्रैक्टिस करवा सकते हैं आप। एक्स्ट्रा वर्कशीट्स में मैंने दिया था ड्रॉ सम ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द गिवन शेप इन द प्रोवाइडेड स्पेस, यहाँ पे क्या हुआ है कुछ शेप दी हुई है मैंने, लाइक सर्कल दिया हुआ है और स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है इन सर्कल से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करना था। तो ये फर्स्ट जो ड्रॉ किया वो व्हील ड्रॉ किया है, सेकेंड ड्रॉ किया है सन, तो सर्कल से रिलेटेड ये ड्रॉ किया है। नेक्स्ट स्क्वायर, स्क्वायर से रिलेटेड ये ड्रॉ किया है बिस्किट एंड ये ड्रॉ किया है डाइस। तो यहाँ पे मैच द ट्राइंगल्स हैविंग सेम नंबर्स ऑफ डॉट, यहाँ पे जिस ट्राइंगल में सेम नंबर ऑफ डॉट्स हैं उनको आपस में मैच करना। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड डे की वर्कशीट्स, फर्स्ट हम देखेंगे ईवीएस के लिए, यहाँ है ड्रॉ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट्स लिखे हुए हैं उनसे रिलेटेड पिक्चर्स मैंने पूरी से ड्रॉ करवाई थी। नेक्स्ट ड्रॉ अ लाइन टू कनेक्ट ईच पिक्चर विद इट्स अदर हाफ, यहाँ पे कुछ हाफ पार्ट्स मैंने बनाए थे, अदर हाफ पार्ट्स मैंने दूसरी साइड में बनाए थे, तो बच्चे को पिक्चर को पहचान कर उनके दूसरे हाफ से मैच करना था। नेक्स्ट इंग्लिश में हम देखेंगे यहाँ पे करना है राइट आर्टिकल्स ए और एन, यहाँ पे ए और एन की प्रैक्टिस के लिए मैंने ये वर्कशीट करवाई थी। नेक्स्ट करवाया था मैंने मैच राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके सेम राइमिंग वर्ड्स यहाँ दूसरी साइड में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स को आपस में मैच करवाने थे। नेक्स्ट हम देखेंगे मैथ्स, मैथ्स में दिया था मोर और लेस का कॉन्सेप्ट, इसमें दिया है कलर द व्हीकल हैविंग मोर व्हील्स, यहाँ पे उसको कलर करना है जिसमें ज़्यादा व्हील्स है, ये है बाइक और ये कार, सॉरी जीप, तो जीप में ज़्यादा व्हील्स होते हैं तो इसको इसलिए कलर किया हुआ है। नेक्स्ट है कलर द एनिमल्स हैविंग मोर लेग्स, इसमें देखना है कि कौन से एनिमल्स है, जिस एनिमल है दोनों में से जिसको ज़्यादा लेग हैं, तो यहाँ पे ये है जो जिसको ज़्यादा लेग है इसको कम है। नेक्स्ट है कलर द वास हैविंग लेस फ्लावर, यहाँ पे उस फ्लावर वास को कलर करना है जिसमें कम फ्लावर है, तो इस वास में कम फ्लावर है तो इसलिए इसको कलर किया है। नेक्स्ट है राइट द नंबर्स इन करेक्ट ऑर्डर्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हुए हैं उनके ऑर्डर को हमें सही करके लिखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदी की, हिंदी के लिए दिया है हमने ई की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करें, तो यहाँ पे कुछ ई की मात्रा वाले शब्द लिखे हुए हैं उनको एज इट इज़ मैंने लिखने के लिए दिया था। नेक्स्ट है हमारा चित्रों को पहचाने और उनके नामों को पूरा करें, यहाँ पे कुछ चित्र बनाए हुए हैं उन चित्रों को पहचानना है और उनसे रिलेटेड जो शब्द हैं उनको पूरा करना था। एक्स्ट्रा वर्कशीट्स में मैंने दिया था मैच द स्क्वायर्स ऑफ द सेम साइज, यहाँ पे स्क्वायर जो बनाए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज के उनको सेम साइज के स्क्वायर को आपस में मैच करना था। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ डे की वर्कशीट्स, जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट है ईवीएस, यहाँ पे मैंने दिया है आंसर द क्वेश्चंस, वन वर्ड ओनली लिखना है यहाँ पे, व्हाट डू यू डू विद योर नोज, यहाँ पे सिंपली क्या करना था इसका आंसर करना था कि आप अपने नोज से क्या करते हैं, तो आंसर आता स्मेल। व्हाट डू यू डू विद योर ईयर्स, ईयर्स से क्या करते हैं हेयर। व्हाट डू यू डू विद योर स्किन, स्किन से फील करते हैं, तो यहाँ पे वन वर्ड में इन क्वेश्चंस का आंसर करना था।
नेक्स्ट है टेक द हेल्प फ्रॉम पिक्चर एंड सॉल्व द पजल। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं, उन पिक्चर्स की हेल्प लेनी है और इस पजल्स को सॉल्व करना था। नेक्स्ट इंग्लिश की बात करें हम तो इंग्लिश में है राइट टू वर्ड्स फॉर ईच साउंड। यहाँ पे कुछ साउंड लिखे हुए हैं, उनसे रिलेटेड मैंने दो दो वर्ड्स लिखने के लिए दिए थे। नेक्स्ट है राइट ए और एन, अगेन यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे हुए हैं दिस इज स्पेस पैड, दिस इज स्पेस नेट। तो यहाँ पे क्या करना है, इस ब्लैंक स्पेस के अंदर चेक करना है ए आएगा या एन आएगा अकॉर्डिंग टू द वर्ड। नेक्स्ट हम बात करें मैथ्स की, मैथ्स में दिया हुआ है लुक एट द पिक्चर की ड्रो व्हाट विल कम आफ्टर ईच पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पे ये एक पिक्चर की दी हुई है, इस पिक्चर की को फॉलो करके इनके आंसर करने थे। जैसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था ये डक, और इससे के बाद क्या आएगा, व्हाट कम्स आफ्टर डक, डक के बाद दिया हुआ है आइसक्रीम, तो यहाँ पे पुरु को ये आइसक्रीम ड्रॉ करनी थी। फिर मैंने ड्रॉ की थी यहाँ पे बॉल, बॉल के आफ्टर क्या आ रहा है यहाँ पे बग, तो यहाँ पे पुरु ने बग ड्रॉ किया है। इसी तरीके से बग ड्रॉ किया था मैंने, बग के आफ्टर क्या आएगा ये इस टाइप से ये कंटेनर, तो ये ड्रॉ किया है। एरो, एरो के बाद में क्या आ रही है डक, तो ये पुरु ने डक ड्रॉ की है। तो इससे नेक्स्ट हमारा राइट एम बिलो द सेट हैविंग मोर ऑब्जेक्ट्स एंड एल बिलो द सेट्स हैविंग लेस ऑब्जेक्ट्स इन ईच रो। यहाँ पे कुछ सेट बनाए हुए हैं, यहाँ पे चेक करना है हर एक सेट के अंदर जिसमें मोर ऑब्जेक्ट हैं उसमें एम लिखना है और जिसमें लेस ऑब्जेक्ट हैं उसमें एल लिखना है। तो यहाँ पे ये इसके इसकी हम बात करें तो इसमें मोर ऑब्जेक्ट है इसलिए एम लिखना है, ये लेस ऑब्जेक्ट है तो एल लिखा है। यहाँ पे ये जो है वो लेस ऑब्जेक्ट है, ये मोर ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे एम लिखा है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं मोर और लेस की। नेक्स्ट हिंदी में दिया था ई की मात्रा वाले शब्द पर गोला लगाएं। यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट शब्द लिखे हुए हैं, उसमें से ई की मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाना था। नेक्स्ट है चित्र पहचान कर उनके नाम लिखे, अगेन यहाँ पे कुछ पिक्चर ड्रॉ की हुई है, कुछ चित्र बनाए हुए हैं उनको पहचानना है, उनसे रिलेटेड नाम यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है कलर द टू शेप्स विच When joined together will form a circle। यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे कुछ shapes draw की हुई थी, उस shapes में से हमें ये देखना था कि कौन सी ऐसी दो shapes हैं जिनको मिलाने से एक पूरा complete circle बनता है। जैसे हम इसकी बात करें ये है और ये है, जब ये part हम यहाँ पे इसके साथ join कर देंगे तो ये पूरा एक circle बन जाएगा। इस तरीके से ये half circle है, ये half circle है, दोनों को join कर देंगे तो ये full circle बन जाएगा। ये कंप्लीट सर्किल नहीं है, इसका एक पार्ट मिसिंग है, तो इस मिसिंग पार्ट को अगर हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं तो ये कंप्लीट सर्किल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा ज्वाइन द डॉट्स एंड कंप्लीट द फिगर्स। यहाँ पे मैंने ट्रेसिंग फॉर्म के अंदर ये इस तरीके से दिया था और पूरे को इसको ट्रेस करना था और एक फिगर बनाना था। नेक्स्ट हम देखेंगे डे फिफ्थ की वर्कशीट्स। फर्स्ट है हमारा EVS रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट्स की पिक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं, साथ ही साथ उनके नेम्स लिखे हुए हैं, बट जो नेम्स लिखे हैं उनके स्पेलिंग मिस्टेक हैं। तो यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, पिक्चर को रिकग्नाइज करके उनके स्पेलिंग को सही करके लिखना है। तो यहाँ पे बॉडी पार्ट्स की स्पेलिंग्स लिखनी है। नेक्स्ट है टेक द यूजेस ऑफ हैंड्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ हुई हैं, अगेन इसमें क्या करना है, हैंड्स के यूजेस को मैच करना है या टिक करना है। मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हुई है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, पिक्चर को उनके वर्ड से मैच करना है। नेक्स्ट है राइट वर्ड्स और सेंटेंसेस टू द गिवन पिक्चर। यहाँ पे अगेन कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं, उसके लिए वर्ड्स या सेंटेंसेस लिखना है। लाइक ये पिक्चर है हैन की, तो यहाँ अ हैन, डैन अ डैन, अ हैन इन अ डैन। नेक्स्ट है अ पैन, अ नेट, अ पैन इन अ नेट। नेक्स्ट है हमारा मैथ्स के लिए, फर्स्ट है राइट मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे कुछ मिसिंग नंबर्स दिए थे मैंने। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर की ड्रो व्हाट विल कम बिटवीन द पिक्चर्स गिवन बिलो। यहाँ एक पिक्चर की है, इसको फॉलो करते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा व्हाट कम्स बिटवीन सन एंड शिप, सन और शिप के बीच में यहाँ क्या आ रहा है, टोमेटो, तो यहाँ पे टोमेटो ड्रो करना था। नेक्स्ट है व्हाट कम्स बिटवीन फ्लावर एंड टोमेटो, फ्लावर और टोमेटो के बीच में सन है, तो यहाँ पे सन ड्रॉ करना था। इसी तरीके से क्वेश्चंस कंप्लीट करने थे। नेक्स्ट है ई की मात्रा के शब्द लिखें। यहाँ पे मैंने पूर्व को कुछ ई की मात्रा के शब्द लिखने के लिए दिए थे। नेक्स्ट है हमारा ई की मात्रा वाले शब्द छाट कर लिखें। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनमें से ई की मात्रा के शब्दों को छाटना था और उनको यहाँ नीचे लिखना था।
एक्स्ट्रा वर्कशीट्स में मैंने दिया था ड्रो द मिसिंग पार्ट्स एंड कलर द पिक्चर्स. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रो की थी मैंने, बट यहाँ पे कुछ पार्ट मिसिंग थे. लाइक फर्स्ट में विंग मिसिंग था, ये विंग, तो बोलू ने विंग ड्रो किया था, साथ ही साथ इसमें कलर फिल किया था. इसमें ईयर मिसिंग था, ये तो ईयर ड्रो किया था. एंड इसमें टेल मिसिंग थी, तो यहाँ पे टेल ड्रो करके और फिर इसमें कलर फिल किया था. नेक्स्ट है हमारा मैच द थिंग्स दैट गो टुगेदर. यहाँ पे मैच करना था, लाइक बुक को मैच करना था, बुक बैग से, ब्लैक बोर्ड को मैच करना था डस्टर से, लॉक को की से, बैट को बॉल से एंड पेंसिल को इरेजर से. नेक्स्ट हम देखेंगे डे सिक्स की वर्कशीट. फर्स्ट हम ईवीएस के लिए फिल इन द ब्लैंक्स. वी कैन रन विद दिस पार्ट ऑफ द बॉडी. यहाँ पे लिखने की कौन से बॉडी पार्ट से हम रन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा लेग. वी कैन सी विद दिस पार्ट ऑफ द बॉडी. हम किस से पार्ट बॉडी पार्ट से सी कर सकते हैं, आइज. वी कैन स्मेल विद दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, नोज. तो यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किए हुए ताकि बच्चा इजीली इसको देख के समझ सके. नेक्स्ट है प्रैक्टिस द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. यहाँ पे चिन की और टीथ की स्पेलिंग मैंने पुरू को प्रैक्टिस करने के लिए दी थी. नेक्स्ट इंग्लिश में था हमारा कंप्लीट द सेंटेंसेस. यहाँ पे अगेन कुछ सेंटेंस लिखे हुए थे और यहाँ पे कुछ पिक्चर ड्रॉ की हुई थी. इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग उनके जो ब्लैंक स्पेस थे उनको फिल करना था. दिस इज़ अ टेन, दिस इज़ अ बेल, दिस इज़ अ रेड. इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट करवाने थे. नेक्स्ट हमारा मैच विद द करेक्ट लेबल्स. यहाँ पे करेक्ट लेबल से पिक्चर को मैच करना था. ये कुछ मैन हैं तो इनको हम मैच करेंगे मैन से. ये है अ जैट इन अ नेट, तो यहाँ पे मैच हो जाएगा इससे, अ जैट इन अ नेट. ये है एक रेड कलर का जेट, अ रेड जेट, तो यहाँ पे इससे मैच करना था. नेक्स्ट मैथ्स में मैंने दिया था राइट काउंटिंग 1 to 90. यहाँ पे 1 to 90 तक काउंटिंग की प्रैक्टिस मैंने करने के लिए दी थी. या मैंने बिफोर नंबर या बिफोर के कॉन्सेप्ट के लिए दिया था ये. लुक एट द पिक्चर की ड्रो व्हाट विल कम बिफोर ईच पिक्चर गिवन बिलो. यहाँ पे अगेन ये पिक्चर की है, इसके बेस से हमें बताना था कि कौन सी पिक्चर किससे बिफोर आएगी. लाइक यहाँ पे मैंने कैरेट ड्रो किया, तो कैरेट के बिफोर क्या है, बोन, तो यहाँ पे बोन ड्रो करना था. यहाँ पे ये मशरूम, मशरूम से बिफोर क्या है, ब्रिंजल, तो ब्रिंजल ड्रो करना था. ये है पेंसिल, पेंसिल से बिफोर क्या है, एरो. एंड बोन, बोन से बिफोर क्या है, हमारा मशरूम. तो इस तरीके से करवाना था. ये हिंदी में दिया था मैंने, दिए गए शब्दों को पूरा करो. यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए थे उनको पूरा करना था. नेक्स्ट दिया था शब्दों का मिलान करें. यहाँ पे कुछ ई की मात्रा के शब्द लिखे हुए थे, उनको ई की मात्रा के शब्दों से मिलान करना था. एक्स्ट्रा वर्कशीट में मैंने दिया था ट्रेस द पिक्चर एंड फिल द कलर. यहाँ पे इस पिक्चर को ट्रेस करना था और इसमें कलर फिल करना था. नेक्स्ट मैंने दिया था जॉइन द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड टू कंप्लीट द पिक्चर एंड कलर इट. यहाँ पे ए से लेकर जेड तक में अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे, उनको मैच करना था, जॉइन करना था और इस पिक्चर को फॉर्म करना था और उसमें कलर फिल करना था. नेक्स्ट हम देखेंगे डे सेवन्थ की वर्कशीट्स. फर्स्ट है ईवीएस. मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स विद देयर नेम्स. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स रुकी हुई हैं, यहाँ नेम्स लिखे हुए हैं, पिक्चर्स को उनके नेम से मैच करना है. नेक्स्ट मैंने दिया था डिक्टेशन. लास्ट डे की वर्कशीट में हमेशा मैं डिक्टेशन करवाती हूँ ताकि जो भी पिछला मैंने करवाया वो सारा रिवाइज करवा सकूँ. तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स पूर्व को बोले थे लिखने. नेक्स्ट हम देखेंगे इंग्लिश के लिए. फर्स्ट है मेरा फाइंड करेक्ट राइमिंग वर्ड्स. यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनके करेक्ट राइमिंग वर्ड को फाइंड आउट करना था. जैसे यहाँ टेन लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है नेस्ट, हैंड, बैग. तो टेन का राइमिंग वर्ड क्या होगा, हैंड, तो उसको सर्कल करना था. इस तरीके सारे वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने थे. नेक्स्ट मैंने इसमें भी इंग्लिश में भी दिया था डिक्टेशन. डिक्टेशन में मैंने ई साउंड वर्ड्स के कुछ वर्ड्स पूर्व को करने के लिए दिए थे. नेक्स्ट मैथ्स में मैंने दिया था राइट मिसिंग नंबर्स. यहाँ पे कुछ 1 to 90 तक के नंबर को मैंने मिसिंग नंबर के फॉर्म में गुरु को लिखने के लिए दिए थे. नेक्स्ट था हमारा मोर एंड लेस का कॉन्सेप्ट. यहाँ पे क्या करना था, टिक द कंटेनर डैट होल्ड मोर इन ईच सेट. यहाँ पे ये बताना था इन दोनों सेट में से कौन सा कंटेनर ऐसे हैं जो कि ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, जिनमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं. नेक्स्ट था हमारा कलर द कंटेनर डैट होल्ड लेस इन ईच सेट. कौन सा ऐसा कंटेनर जो कि कम होल्ड कर रहा है यहाँ. नेक्स्ट था हमारा सर्किल द कंटेनर डैट स्टोर्स मोर वाटर. यहाँ पे इन तीनों में से कौन से कंटेनर में ज़्यादा वाटर आ सकता है उसको सर्किल करना था, तो यहाँ पे आ जाएगा ये टब. नेक्स्ट हिंदी में दिया था ई की मात्रा के शब्दों को छांटकर उन पर गोला करें. यहाँ पे अगेन कुछ शब्द लिखे हुए थे जिसमें से ई की मात्रा के शब्दों को छांटकर गोला करना था. नेक्स्ट हिंदी में भी मैंने डिक्टेशन दिया था करने के लिए. डिक्टेशन में मैंने कुछ वर्ड्स बोले थे पुरु को लिखने के लिए,
पुराने वर्ड्स लिखे थे, यहाँ पे शनिवार जो है पूरा ने गलत लिखा था, इसलिए इसको सर्कल किया हुआ है। एक्स्ट्रा वर्कशीट में मैंने दिया था टिक द ऑब्जेक्ट यू सी इन द क्लासरूम, उन ऑब्जेक्ट्स को टिक करना था जो कि हम क्लासरूम में मोस्टली देखते हैं, लाइक ब्लैक बोर्ड हो गया, बुक्स हैं, पेंसिल है, डस्टर है, क्रेयॉन्स हैं, तो इस टाइप से इनको टिक करना था। नेक्स्ट मैंने दिया था फॉलो द पाथ, यहाँ पे ए फुल पाथ को फॉलो करना था और एंडिंग पॉइंट तक पहुँचना था। वन से लेकर डे सेवन तक की वर्कशीट्स फॉर वीक फिफ्थ। आई होप आज के वीडियो से भी आपको कुछ आइडियाज़ मिले हों जिसके थ्रू आप अपने बच्चे के लिए भी वर्कशीट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।